जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम नॉलेज जोन में। और इस समय की सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन की स्थिति है, यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई को होने वाला था, उसको लेकर अभी ये रूमर अफवाह चल रही है, अफवाह ही कहेंगे, कंफर्म नहीं है कि वो एग्ज़ाम स्थगित हो सकती है या स्थगित हो गई है। बहुत से यूट्यूबर दावा कर रहे हैं स्थगित हो गई है, लेकिन अभी स्थगित नहीं हुई है। पहले 19 जून को होना था, जो 19 जून से 24 जुलाई कर दिया गया था अपरिहार्य कारणों से, जिसकी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पे थी, लेकिन 24 जुलाई वाले स्थगन की सूचना ऑफिशियल वेबसाइट ही मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में व्यू ऑल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक 12 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था सहायक संघ की अधिकारी के संदर्भ में, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संबंध में। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है एडवर्टीजमेंट 3 एग्ज़ाम 2022 के संबंध में आया था, ये वही है जो आपूर्ति निरीक्षक वाला, ठीक है। और इन पूरे उसमें कोई भी ऐसा अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूज़पेपर में दो दिन ये छपा क्यों, और लोग क्या बेस है इसका ऐसी बातें करने का, स्थगित होने की संभावना का। तो इसके बारे में क्लियर में बता देता हूँ जिससे कोई भ्रम ना रहे। मसला ये उठा था कि इसमें कई रीज़न बता रहे हैं कि एक तो अग्निवीर की रैली, अग्निवीर रिक्रूटमेंट की रैली होने वाली है, फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट जो भी, उसकी वजह से ये एक ही दिन पे दो एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंट्रल और स्टेट का कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम एक ही दिन में आपस में पड़े हुए हैं, और एग्ज़ाम दोनों हुए हैं कंडक्ट, कैंसिल नहीं हुए हैं, और इसलिए भी कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का जो पोस्ट है, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, कैटेगरी है, बहुत फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये 21 से 40 साल की एज लिमिट का एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम है 17 से 23.5 साल के एग्ज़ाम का, और वो आर्मी से रिलेटेड है, और ये आपका लेखपाल का है। तो ऐसा नहीं है कि अग्निवीर की वजह से कैंसिल होगा। दूसरा रीज़न ये है जो पुख्ता तौर पे मैंने पता किया पूरी तरह से, एक्चुअली मेरठ जो भी लेखपाल एग्ज़ाम होने वाला है, जितने कैंडिडेट 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कराएंगे, सभी मंडल में होंगे, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोगों को पता है 18 मंडलों में ही एग्ज़ाम होंगे, हर ज़िले में 75 ज़िलों में नहीं होंगे। जैसे एक फैज़ाबाद मंडल है, कानपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, ऐसे कई सारे मंडल हैं। तो मेरठ जो ये कांवड़ यात्रा सावन का जो आज प्रथम या द्वितीय तिथि है, तो सावन में कांवड़ यात्रा जो निकलती है वो मेरठ में बहुत बड़े पैमाने पे कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पे एक जो है लेटर लिखा था आयोग को कि 24 तारीख को कांवड़ यात्रा की वजह से 10,000 लोगों का सेंटर है मेरठ मंडल में, और लगभग इतना ही सभी मंडलों में है। मेरठ मंडल जो है उसका मुख्य ज़िला मेरठ ही है, तो मेरठ ज़िले में ही एग्ज़ाम होना है, और मेरठ में कांवड़ यात्रा भी मेरठ से अपना वो रामगंगा और इन सब नदियों तक यात्रा करते हैं, गंगा नदी के ही सहायक नदियां हैं, वहां से जल उठाते हैं। तो इसलिए मेरठ में DM ने ऐसा कथित तौर पर कहा गया है कि 24 जुलाई का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरठ वालों का सेंटर वो मंडल ही निरस्त कर दे, मेरठ मंडल के सभी बच्चों का एग्ज़ाम किसी अन्य मंडल में करा दे, या फिर जो है मेरठ मंडल वालों का बाद में अलग से एग्ज़ाम कराएं, लेकिन बाद में अलग से एग्ज़ाम कराने की क्षमता अधीनस्थ आयोग के पास नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का झंझट बाद में झेलना पड़ेगा, दो दो बार पेपर सेट करना होगा, वैसे ही इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, पेपर आउट, नकल फकल इन सब चीज़ों से परेशान है, तो ये दो बार में पेपर नहीं कराएंगे, और मेरठ मंडल का पेपर हो सकता है उस मंडल से हटा के उसके आस पास का कोई मंडल हो उस मंडल में मेरठ मंडल के बच्चों का एग्ज़ाम करा सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा उन लोग का मेहनत करने की इच्छा ना हुई
तो वो सीधे जो है डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी 50-50 है, और डेट अगर पोस्टपोन करेंगे तो डेट हमेशा संडे को ही एग्ज़ाम करा सकते हैं, ये संडे के अलावा एग्ज़ाम नहीं करा सकते। इसका रीज़न ये है कि ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होता है, और ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम कराने के लिए स्कूल में एग्ज़ाम कराना होता है, और स्कूल केवल बंद होते हैं संडे को और गस्टेड हॉलीडेज़ में। तो गस्टेड हॉलीडेज़ में एग्ज़ाम वैसे भी नहीं करा सकते कि 15 अगस्त को करा दें, 15 अगस्त को एग्ज़ाम वैसे भी नहीं करा सकते, बच्चा संडे ही, तो संडे को जो है संडे को ही एग्ज़ाम करा सकते हैं, 24 को कराएंगे या फिर उसके बाद वाले संडे में, तो अब देखते हैं। अभी अभी ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, और अगर होगा तो UP SSC की वेबसाइट पे आप देखते रहिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तभी आप स्थगित मान के चलिएगा, नहीं तो आप ये मान के चलिए 24 को आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ऐसे रूमर्स बहुत आते हैं, कभी कभी सच भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। अब आयोग का जो डिसीज़न होगा, कल सैटरडे है, कल वो देंगे या फिर मंडे को वो नोटिफाई करेंगे, संडे को करेंगे नहीं, तो ज़्यादातर संभावना है। अगर कल वो पोस्टपोन कर का नोटिफिकेशन आ जाता है तो पोस्टपोन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी 24 को मान के चलिए, बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, स्थगित होता है, तो हमारे चैनल पे हम आपको तुरंत उसका वीडियो बना के उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चैनल को हमारे आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।